So my name is Munishwar Haridas. I'm from Germany. तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए ब्लॉग में। तो आज हम आपके लिए जो है मंथली रूम या डे बाय डे रूम जो है आपको चाहिए, तो हम हमारे साथ ये भाई साहब हैं, ये आपको बताएंगे कि ये रूम कहाँ पर है और यहाँ का जो है लोकेशन क्या है। हम इस भाई साहब से पूछते हैं, तो भाई साहब जरा आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी राधे राधे, मेरा नाम ब्रजेंद्र है और मैं यहाँ आश्रम में रहता हूँ, श्री युगल भजन कुरीर आश्रम। ये राधा कुंड में स्थित है, राधा कुंड मथुरा में। तो यहाँ पे क्या है, ये राधा कुंड जो है राधा रानी और श्री कृष्ण जी का यहाँ पे कुंड है, तो हमारा ये आश्रम वहीं पर स्थित है। तो जैसे कि इस आश्रम में, ये आश्रम उन लोगों के लिए बना है जो भक्त लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हों, जिनको शांत वातावरण चाहिए, जिनको ग्रीन एरिया चाहिए, जिनको संतों का संतों की कंपनी चाहिए, तो ये जगह उन लोगों के लिए है। तो हमारे पास करीब 10 कुटियाँ हैं, 10 रूम्स हैं, तो आराम से जो है 20 भक्त लोग यहाँ रुक सकते हैं आराम से। तो आप जब भी आना चाहें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये जगह काफ़ी ग्रीन है और काफ़ी सेफ है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। जी तो भाई साहब आप जो है ये रूम के बारे में थोड़ा बताइए हमको, ये कैसा कैसा यहाँ पर क्या क्या सुविधा है। देखिए रूम हर तरह के रूम्स अवेलेबल हैं इधर, सिंपल रूम्स भी हैं और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ भी रूम्स अवेलेबल हैं। जैसे गर्मी में काफ़ी गर्मी होती है तो एयर कंडीशन रूम्स भी हैं हमारे पास, कूलर रूम्स भी हैं, और सारे रूम्स में टॉयलेट और बाथरूम अटैच्ड है क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को। तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं ये हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये आप देख सकते हो सामने एसी भी लगा हुआ है, आपको कोई गर्मी की टेंशन नहीं है। और यहाँ पर जो है ये अटैच है इसमें वो वॉशरूम और टॉयलेट, आपको सब सुविधा बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ दी हुई है। और अभी यहाँ पर ये देखो राधा कृष्ण की बहुत अच्छी पेंटिंग है। और ये यहाँ पर ये क्या है भाई साहब, ये शेल्फ्स पर है सामान। अच्छा, ये देखो भाई साहब ने यहाँ पे कितनी अच्छी जो सुविधा की हुई है, सामान रखने के लिए भी बहुत अच्छा बनाया गया है। और हमारे यहाँ मोस्टली फॉरेन डिवोटीज आते हैं क्योंकि उन लोगों को ऐसी जगह ज्यादा पसंद आती है। हाँ, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है विदेशी लोग आते हैं, विदेशी भक्त। हाँ, ये यहाँ पे नाम जप करने के लिए बहुत ही अच्छी जो जगह है, शांत वातावरण है बिल्कुल। और ये रूम देख सकते हो आप कितना साफ स्वच्छ है, मतलब आपको ऐसा रूम यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा आसपास, बहुत ही अच्छा रूम है यहाँ पर ये। अगर आपको रूम चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम इन भाई साहब का जो है कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, आप इनसे जुड़ सकते हैं। तो आप एक बार हमारे साथ बाहर का वातावरण देखिए कैसा है, आप यहाँ से जो है ये हरियाली देख सकते हैं, बिल्कुल शांत माहौल है, यहाँ पर कोई आवाज कोई शोर शराबा नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ से जो है ये राधा कुंड का दृश्य देख सकते हैं, यहाँ से जो आप पूरा राधा कुंड का जो एरिया है ये सब देख सकते हैं, कितना अच्छा यहाँ का जो है व्यूज है। और आप इधर भी देखिए खेत वेत भी, आपको बिल्कुल बहुत ही शुद्ध वातावरण है यहाँ पर, शुद्ध वातावरण है, आपको बिल्कुल अच्छी हवा मिलने वाली है ये देखिए। और बाकी ये भाई साहब एक बार दोबारा से एड्रेस बताएंगे, ये कहाँ पर है, क्या लोकेशन है अच्छे तरीके से। ये जो आश्रम है इसका नाम है श्री युगल भजन कुटीर आश्रम, ये पड़ता है राधा कुंड ग्राम के अंदर, मथुरा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। जी तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो यहाँ पर ये दीवारें हैं इन पर ये किस चीज का वो गोबर लगा है। ये यहाँ पर गौ माता का गोबर लगा हुआ है, और गोबर जो लगाने का दो कारण है, एक तो हमारी गौशाला है या राधा कुंड के अंदर ही, और दूसरी बात यह है कि जब हम गोबर अप्लाई करते हैं वॉल्स पे, वो पहली बात तो ये नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है और आर्टिफिशियल नहीं है। और दूसरी चीज़ यह है कि ये गर्मी के समय में जब टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है तो एक नेचुरल कूलेंट की तरह काम करता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडक देता है ये। जी तो जैसा कि इन भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर जो है दीवारों पर गाय के गोबर की लिपाई पुताई हुई है, तो आप यहाँ पर एक बार अवश्य आइए, बहुत ही अच्छी जगह है। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।
Hi. So my name is Munish Haridas. I'm from Germany, and I think everybody should come here and visit this beautiful Bajankutir because it's really sweet. It's a very, very sweet family. The cooking is amazing, and you have your peace here, and it's just like amazing. So come everybody here, so to get some blessings. Sure. Radhakund. Radhe, Radhe. Radhe, Radhe. Thank you so much. You're welcome.